कभी अपना दिल से सोचा कि हम एक एम्बुलेंस हमारे डिगलीपुर के बस्ती वालों को दे? कभी अपने दिल में सोचा कि मोर्चरी वैन दे? आज हम जो है वीके अब्दुल अजीज 2019 में मेरे माँ बाप के नाम से हम एक मोर्चरी वैन उतारा, बल्कि उस वक्त में मेरा बीबी प्रधान भी नहीं है ना हम जिला परिषद है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मोर्चरी वैन अपना डिगलीपुर का डेड बॉडी लेके आप लोगों के बीच में आता है। और कोई एक जगह बोलने दो कि किसी से हम पैसा लिया डेड बॉडी लेके के, डेड बॉडी लेके आने के बाद खाली अगर नौकरी करता है तो उनका गवर्नमेंट सर्वेंट का जो पेमेंट है अगर वो देता है तो खाली 3 लाख के दे दो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो उनको मेरे तरफ से फ्री लेके यहाँ पर पहुँचाते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, जब वो 3.5 लाख रुपया पेमेंट वो लोग लेते हैं, जब 5 साल पूरा लिया, 15 साल पूरा लिया, उन लोग अपने तरफ से लोगों को ले क्या सेवा किया ये बताने बोलिए आप लोग, पूछ के देखिए कि लोगों को सर्विस के लिए क्या दिया। हम मोर्चरी वैन उतारा, आपका वोट कहाँ डालना है, मरका कहाँ है, कहाँ डालना है बताएगा आपको। मैं बता दूं कि आज हमारा ये मोर्चरी वैन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए हमने उतारा है। आपके पास अगर पोर्ट ब्लड जीबीपन में अगर आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, एक फोन करिए, 17 दिन बचा आपके पास। हम इलेक्शन का बात नहीं करता, हम बोलते हैं इलेक्शन से पहले हमको चेक करके देखो हम काम करा सकते हैं या नहीं, अगर हम काम करा तो आपका वोट हमको दीजिए, नहीं है तो आपका वोट हमको जहाँ डालना वहाँ डालिए। मेरा बोलने का मतलब पोर्ट ब्लड के अंदर में अगर आपका कोई भी इलेक्शन खत्म होने के बाद भी अगर किसी का समस्या होता है तो आप लोग एक फोन मुझे करिए, किसी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, किसी को ब्लड नहीं मिल रहा, किसी को रहने को रूम नहीं मिल रहा, हर एक चीज के लिए ये अजीज आप लोगों का साथ खड़ा है। ये आज से नहीं है, ये बच्चे ऐसे नहीं जुड़े हमारे साथ, ये बच्चे हमारा काम देख करके हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोग से मैं विनती करता हूँ, आने वाला 15 तारीख को हमारा यहाँ पर पब्लिक मीटिंग होगा, हम वहाँ पर कुल्लम कुल्लम खुलासा करेगा। 15 तारीख के अंदर में आप लोगों के पास समय है, हमें कोई भी काम दीजिए, चाहे ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस होने दो, चाहे डिप्टी कमिश्नर, अभी यहाँ खड़ा करके मैं काम करा के दिखाऊंगा, वो टैलेंट मैं अपना पे रखता हूँ। इसलिए मैं चैलेंज करता हूँ कि बाकी लीडर्स से पहले आएंगे उन्हें वोट मांगेंगे, जैसे पूरा 50 साल हम लोगों का वोट लिया बीजेपी और कांग्रेस, यही दो पार्टी का पर हमने भरोसा किया। आज आपको मैं बता दूं, मैं अपना बलबूते में, मेरे पास पैसा नहीं है, गरीब इंसान है, ज्यादा पैसों से नहीं है, मेरा मिसेस जो है प्रधान है और हम जो है जिला परिषद है, 25 साल से हम ही लोग दोनों है एक ही पंचायत, और मेरा घर पिंबलीगंज में है, लेकिन मैं राजनीति पूरा फ्रागन में करता हूँ। मेरा मिसेस भी हम भी जो है हर साल हर 5 साल में इलेक्शन हम लोग बदल बदल के जीतता है। आज तक हम लोगों को कोई हराने का ताकत हमारे पंचायत में नहीं है, क्यों वो सोचने वाली बात है, ताकि पूरा 80% लोग क्रिश्चियन लोग हैं, बाकी हिंदूस लोग हैं, टोटली मुझे सपोर्ट करके इस वक्त में लास्ट टाइम में हमारे वाइफ को ऑटो रिक्शा के निशान में खड़ा किया और 202 वोट से बीजेपी और कांग्रेस को हमने हराया। ये आप लोग यूट्यूब चैनल में मार के देखिए, वीके अब्दुल अजीज जिला परिषद मेंबर, मार के देखिए आप लोग पूरा आज तक का जो नक्शा पट्टा मैंने जो काम किया है वो पूरा रिकॉर्ड आप लोगों को दिखाया जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, बाकी बात 15 तारीख को जो पब्लिक मीटिंग होगा मैं यहाँ पर आएंगे, एली में आएंगे, आके आप लोग बात को हम अपना बात को रखिएगा और हम रिक्वेस्ट करेगा कि हर घर से आकर के आप लोग सुने, मेरा मैनिफेस्टो में क्लियर कर दिया गया है, हमारे बच्चों को नौकरी दिया जाए, अंडमान के बच्चों को बाहर से लाना बंद करेगा नंबर 1। नंबर 2, हर घर से एक बच्चों को मैं रोजगार दे के दिखाऊंगा। नंबर 3, जो करंट चल रहा है मेरे घर में वो 100 यूनिट फ्री दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। बाकी 14 पॉइंट है जो 17 पॉइंट हम नहीं बता सकते अभी, कोटा जो मैनिफेस्टो आपका घर घर में आएगा उस वक्त आप लोग मैनिफेस्टो को देख करके आप लोग मोहर लगाइए, ताकि मेरे बारे में पहले पता कर लीजिए कि अजीज क्या काम करा सकता है। आज आपको मैं बता दूं, डाइवर्शन कन्वर्शन बंद होकर के 5 साल हो गया, कोई नेता आवाज नहीं उठाया, लेकिन हम जो है 25 फरवरी को सिप्पीगढ़ जंक्शन में हमने जो है चक्का जाम किया, उसका बाद डीसी साहब बुला करके बोला कि इलेक्शन के बाद डाइवर्शन कन्वर्शन स्टार्ट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि जीत होना चाहिए, हम बनने के बाद भी हमारे ऑफिस में कम आपके बीच में ज्यादा रहूंगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप लोग मेरा बात को सुना और आप लोग आने वाला 19 तारीख को आटा चक्की का निशान है 8 नंबर में होगा, वीके अब्दुल अजीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आटा चक्की का निशान होगा, उसमें आप लोग मेहरबानी करके आप लोग एक बार मुझे भेजिए, ताकि आप लोग आने वाला 30 साल भी किसी को बनाने का नहीं सोचेगा, ये मेरा वादा है।
आप लोगों को कुछ सवाल करना है कर सकते हैं, जैसा कि अभी कोई आया था, ये सबका बना है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इसमें किसी का मोबाइल नंबर कभी कोई नहीं देगा नेता लोग। क्यों नहीं देगा? रात को 12 बजे आपका बाबा अगर एडमिट है तो तकलीफ देगा, इसीलिए नहीं देगा। लेकिन हम आप चेक करके देखिए, अभी करके नहीं, इलेक्शन का बाद भी। ये भाई लोगों सबको पता है जो मेरे से जुड़ा है, सबको मालूम है कि रात को 12 बजे भी फ़ोन करेगा आपका फ़ोन अटेंड होएगा और आपका काम होएगा। अभी अगर कुछ काम है तो मेरे को दे दो जीबी पंत के अंदर में, अभी कुछ काम है तो दे दो भैया डीसी ऑफिस के अंदर में, ताकि इलेक्शन चलता है, काम नहीं होएगा। लेकिन हम काम करके दिखाएगा, अगर नहीं करा तो आप अपना वोट जहाँ डालना वाडर, हम बोलते रहे चेक करिए हमको। आप लोग से रिक्वेस्ट करता, अंडमान बचाना है हम लोग को, अंडमान बचाना है। हम बोलते ना हर घर से एक बच्चों को रोजगार देगा, ये बड़ा बात नहीं कर रहे। हमको करना क्या, हमको पता है कि इस बार कांग्रेस में तो बीजेपी बैठेगा ऊपर सरकार, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम जाएगा सीधा मोदी का प्यार में गिर जाएगा, मेरा सीट आपका चरण में। हमको सिर्फ 1700 करोड़ बढ़ा के दे, 6300 करोड़ हमको आप दे रहे हैं अंडमान में, 6300 करोड़ मोदी जी बेचता है। इतना अच्छा सरकार कभी नहीं आया अंडमान इंडिया के अंदर, मोदी जी सरकार अच्छा सरकार है, 6300 करोड़ यहाँ बेचता। लेकिन ये निकम्मा लोग IAS के साथ में मिलके पूरा पैसा को डिवाइड करके खत्म कर देते। तेरे बोलने का मतलब ये कि 6300 करोड़ रुपया अंडमान निकोबार आइलैंड में आता है पैसा, लेकिन हमारा जो प्रतिनिधि यहाँ से एकमात्र सांसद जो अभी तक कुलदीप राय शर्मा था, उन लोगों के साथ मिल करके जो पैसा का डिवाइड करना है वो डिवाइड अच्छा तरीके से नहीं करता। बाकी पैसा कहाँ उठता ये हम ओपन नहीं बोल सकता आप लोगों को, आप लोगों को खुद को पता है कि आज कांग्रेस और बीजेपी हम लोग देखता हुआ आया, इन लोगों का दिल में बैठा हुआ है कि आखिर में पट्टी बांध के आदमी जाके कमल फूल और हाथ में दबाएगा। इस बार मैं आपको बता दूं, म्युनिसिपल एरिया और फरागत तहसील में हमारा जो वोट है उसका पीछे लोग दोनों भी दिखाई नहीं देगा, ये आप लोग से मैं वादा करता हूँ। काली डिकलीपुर से लेकर 12 टांग तक हमें 10,000 वोट चाहिए, वो 10,000 वोट आ गया तो मैं अपना सीट जीत करके आप लोगों के बीच में आके हम बैठेगा। हर 3 महीने में आप लोगों के साथ मीटिंग होगा, हर 3 महीने में बस्ती वाला के साथ में मीटिंग, सिर्फ मेरा अकेला नहीं होगा। प्रोटोकॉल क्या है एमपी का, प्रोटोकॉल क्या है आज तक किसी को नहीं पता, एलजी के बाद एमपी अंडमान में सबसे बड़ा, लेकिन आज तक नहीं पता। डीसी के चैम्बर में एमपी जाके बैठते चाय पी के, डीसी हमारे चैम्बर में आके बैठते हैं, और हम जब डिकलीपुर आएगा ऊपर वाला भगवान हमको अगर बढ़ा दिया तो हम डिकलीपुर आएगा। मेरा पीछे में टोटल 32 डिपार्टमेंट है, 32 डिपार्टमेंट का डायरेक्टर मेरा साथ पीछे गाड़ी लेके आएगा और आप लोगों के पीछे बैठेगा, उसी वक्त वो काम होएगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। बर्बादी होने का कारण ये दो पार्टी है, अब ये दो पार्टी दोबारा फिर से आया। हम बोल रहे थे सबको दिया मौका बार बार, ये दोनों को मौका दिया, विष्णु जी को भी दिया 15 साल, कुलदीप को भी दिया 5 साल, एक बार मुझे देख करके देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ। मुझे आपसे ये कहना है कि आज ये यहाँ पर हम चिल्ला के इसलिए कह रहा हूँ, बिल्डिंग ग्राउंड में मैं आपको बताता हूँ, 3 तारीख को बिल्डिंग ग्राउंड में मेरा पब्लिक मीटिंग है, विष्णु बधाई जी का, उसमें 110 कुर्सी में बैठा, मेरे सामने 150 से ऊपर बच्चे लोग कुर्सी में बैठेगा फैमिली के साथ। ये हमको पता है क्यों चेंजेस आ रहा है, एक बार चेंजेस आ गया 25-30 साल के लिए आप लोग याद करेगा कि ऐसे एमपी अंडमान में पहला बार आया। हम आएगा एमपी बन के नहीं आएगा, हम आएगा चीफ मिनिस्टर बन के, सीएम का जैसा रहता सिक्योरिटी के साथ पीछे सारा डिपार्टमेंट, वो सारे डिपार्टमेंट को लेकर के आपका गाँव में हम बैठा के दिखाएगा, ये मेरा वादा है। और अगर हम ये काम नहीं कर पाया तो हम 3 साल के अंदर में रिजाइन करके घर में भी बैठेगा आप लोगों के बीच से। हमको पता है काम कराना कैसा, 5 दिन हम लोग अंडमान निकोबार बंद करना पड़ेगा, हम लोगों को एटीएम बंद करना पड़ेगा, एयरपोर्ट का गेट को ताला मारना पड़ेगा, शिपिंग का गेट को ताला मारना पड़ेगा, और जा करके 3 से 4 दिन के अंदर में मिनिस्ट्री से फोन आ जाएगा, अजीज भाई आप आइए, हमको बुलाएगा बोले ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो लोग उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। वहां से हो गया, पेपर फॉल हो गया, हम यहाँ पर फोन करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को सबको बोल देगा सब छोड़ ऑटोमेटिक होगा। आप लोग देखा होगा दिल्ली में ट्रेन रोक देता, क्यों रोकता? अपना हक के लिए। हमको जो है ओबीसी नहीं मिल रहा है, हमको जो है ST नहीं मिल रहा है, अपना आरक्षण के लिए सब कुछ रोक देता। लेकिन आज मैं बता दूं आप लोगों को कि आने वाला 19 तारीख हम लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन है, हम लोग जा करके आंखें बंद करके मारता था आज तक। मैं अभी भी आप लोग से चैलेंज करता हूँ, जितना लोग खड़े यहाँ पर, जितना भी लोग खड़े जो मेरा आवाज सुन रहा है, आप लोगों को मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि आप लोगों के पास अभी भी कोई काम है यहाँ पर आकर के दीजिए। अभी यहाँ पर हम आपका सामने स्पीकर रख के फोन में हम काम करा के दिखाएगा, ये हम चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। सिर्फ मैं जिला परिषद है,
सिर्फ मैं जिला परिषद है, आगे आने वाला जो पोस्ट है एमपी का, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, 17 से 18 दिन हम लोगों के हाथ में है, 17 से 18 दिन के अंदर में आपके मेडिकल के अंदर में या आपका कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर में एक काम मुझे दो। अगर नहीं हुआ तो मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ कि आप लोग का वोट आप लोग जहाँ डालना वहाँ डाल दीजिए, हम पहले आपका काम करेगा उसके बाद आप लोग वोट दीजिए, वोट के बाद हम काम नहीं, वोट के बाद एक्शन में आएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबका तरफ से खाली आश्वासन मिला हो जाएगा, कोई कोई हमें ऐसा भी कुछ बोला था कि आप ये पेपर लेके आओ आपको हम करा देगा, लेकिन जब वो पेपर लेकर उनका पास गया, उनका दरबार तक जब हम गया तब उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, उनका दूसरा जगह कुछ पार्टी का मीटिंग था, कुछ काम था, तो इस तरह बात को सभी बोल के जा रहे हैं। तो आप हमारा साथ दिया, हम आपको बुलाया, आप हमको नहीं बुलाया, आप हमको बुलाया, हम लोग आपका पास आया, आप हमारे पास आया, तो आप भी जितना हमारे काम जितना दूर किया इसका और कितना दिन में हमारे अपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि 5 साल से ऊपर, आज 5 साल से ऊपर हम लोग इसी पोस्टिंग के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ, नहीं हम लोग कुछ डीआरएम का काम करता हूँ कि इसका 3-4 महीना काम किया, अभी डिपार्टमेंट का हाथ कर पकड़ के हमको परमानेंट कर दो, डिपार्टमेंट हमको बुला के एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, हमने एग्ज़ाम दिया, हम लोग एक फ्रेश कैंडिडेट होकर परमानेंट जॉब को मिलने का टाइम, जब वो अपॉइंटमेंट लेटर देने का टाइम हमारे साथ आज 5 साल से एक क्लियर कर रहे हैं, इसका जब तक सोल्यूशन नहीं होएगा तब तक हम लोग इलेक्शन कमीशन में भी एक लेटर लिखा था कि हम लोग फॉरेस्ट का जितना भी कैंडिडेट है हम लोग बॉयकॉट करेगा, तो इसका भी एक सोल्यूशन अगर आपका पास है तो हमारे बंदा यहाँ पर है, आप यहाँ पे इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जैसा डे भाई ने बताया कि इसका सोल्यूशन कब निकलेगा, हमारे पास आया आपका प्रॉब्लम 7 फरवरी को, जो हमारा सिटी गार्ड में चक्का जाम किया उस वक्त में आप लोगों का कुछ लोग हमारे को सपोर्ट किया, और हम 8 तारीख को पीसीसीएफ को लेटर लिखा कि 13 तारीख के अंदर में ये बच्चों का साथ इंसाफ होना चाहिए, नहीं है तो 13 तारीख को शाम को हम जो है धरना में बैठेगा, और मेरा लेटर के बाद 13 तारीख को मिलने गया डिगलीपुर से एक जन, कौन गया था डिगलीपुर से मेरे साथ पीसीसीएफ को, वहाँ